नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन सेकेंड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीबीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने जो मोस्ट क्वेश्चंस का क्रम उसको आगे बढ़ाएंगे और आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि पन बिजली स्टेशन में पेन स्ट्रोक का कार्य क्या होता है। ए बांध तक पानी पहुँचता है, बी टर्बाइन तक पानी पहुँचता है, सी है पानी घर से दूर पानी ले जाता है, डी अपना जलाशय में अधिशेष पानी का निर्वहन करता है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टरबाइन तक पानी पहुँचाने का कार्य होता है आपका पेन स्ट्रोक का। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या होता है। ए भाप को गर्म अधिक गर्म करता है, बी गर्म पानी व हवा को देता है, सी पानी को भाप में परिवर्तित करता है, डी है जले हुए ईंधन से गर्मी को मुक्त करता है। यानी जो बॉयलर होता है उसका क्या उद्देश्य होगा, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, पानी को भाप में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है। ए डीजल प्लांट, बी स्टीम पावर, सी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, डी न्यूक्लियर पावर। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट होता है वो अन्य की तुलना में अधिक कुशल होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी अपना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें आपको पता है भाई परमाणु रिएक्शन के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है यूरेनियम 235 का प्रयोग करके। तो वहाँ पर जब उसकी नियंत्रण वापस जो परमाणु रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए अपन किस धातु का प्रयोग करेंगे। ए थोरियम, बी ग्रेफाइट, सी कैडमियम, डी टंगस्टन। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कैडमियम का प्रयोग करके परमाणु रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। ए डीजल शक्ति उत्पादन, बी परमाणु शक्ति उत्पादन, सी पवन चक्की उत्पादन, डी आपका जल विद्युत शक्ति उत्पादन। यानी गैर परंपरागत संबंधित है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, पवन चक्की से बिजली का उत्पादन। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव द्रव्यमान का आवेश कौन सा है। ए आपका पास सलरी, बी है जैव ईंधन, सी है खाद, डी है बायोगैस। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बो डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मीथेन मुख्य घटक होता है आपका बायोगैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा भी सौर प्लांट लगा होता है उसमें बिजली का उत्पादन कैसे किया जाएगा। तो देखिए, ए ऑप्शन आपके पास में, जब धूप कांच पर टकरती है, बी है जब सूर्य की रोशनी निकल प्लेट से टकराती है, सी है अपना जब सूर्य की रोशनी मैग्नेट पर टकराती है, और डी है अपना जब सूर्य की किरणें या रोशनी फोटोवोल्टिक सेल से टकराती है। तो आपको पता है फोटोवोल्टिक सेल डायोड का एक प्रकार, तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जब सूर्य की रोशनी फोटोवोल्टिक सेल से टकराती है तो आपकी बिजली का उत्पादन होता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का क्या कार्य होता है। ए आपूर्ति जल को गर्म करता है, बी नाइक्रोमनजाइजर को हवा गर्म हवा की आपूर्ति करता है, सी है आपका सुपर हीटर को गर्म हवा की आपूर्ति करता है, डी अपना है फ्लू गैस में गर्मी निकालता है व आगत वायु को गर्म करता है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फ्लू गैस से गर्मी निकालता है और जो आने वाली वायु है उसे गर्म करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है। ए आपका है कचरे का निपटान, बी आपका है रनिंग खर्चा ज़्यादा, सी अपना है बड़े संयंत्र में बड़े स्थान की आवश्यकता, और डी अपना लोड सेंटर से दूर स्थापित किया गया। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, कचरे का निपटान मुख्य नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का क्या कार्य होता है। ए पानी को भाप में परिवर्तित करना, बी है फ्लू गैसों द्वारा गर्म हवा करना, सी है फ्लू गैसों द्वारा
फीड पानी को गर्म करता है, और डी अपना है रासायनिक उपचार द्वारा दिए हुए पानी को शुद्ध करता है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फ्ल्यू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करने का कार्य करता है आपका इकोनोमाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है। ए अधिक भरोसेमंद, बी अधिक दक्षता, सी कम प्रारंभिक लागत, और डी अपना प्रदूषण घटना। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी गैर परंपरागत बिजली ऊर्जा स्रोतों से पोल्यूशन का नुकसान कम होता है, यानी उससे प्रदूषण कम होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि बैटरी आधारित माइक्रो हाइड्राइड पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का क्या कार्य होगा। ए ओवर वोल्टेज को नियंत्रण करेगा, बी बैटरी से टर्बाइन को डिसकनेक्टेड करेगा, सी बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकेगा, और डी अपना टर्बाइन को ओवर स्पीड नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, जवारे शक्ति स्टेशन में बैराज का क्या उद्देश्य है। ए जवारे तरंगों को नियंत्रण करना, बी समुद्र की ओर पानी छोड़ना, सी खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी का नियंत्रण करना, और डी अपना है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना, यानी बैराज का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करने का कार्य होता है बैराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का प्रयोग फ्ल्यू गैस के फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। ए आपका बॉयलर, बी इकोनोमाइजर, सी सुपर हीटर, और डी आपका एयर प्री हीटर। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR का क्या फ़ायदा है। ए कोई गर्म हानि नहीं है, बी उच्च तापीय दक्षता, सी इससे उच्च शक्ति घनत्व, डी अपना है धातु की सतह का तापमान कम। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसमें उच्च शक्ति घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है। ए आपका है हाइड्रो पावर प्लांट, बी आपका डीजल पावर प्लांट, सी आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, और डी आपका थर्मल पावर प्लांट, यानी विश्वसनीयता की दृष्टि से कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादनों का नुकसान क्या है। ए प्रदूषण को बढ़ाएंगे, बी सुरक्षा जोखिम अधिक है, सी अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है, डी बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, यह बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है। ए प्रदूषण का असर ज़्यादा होता है, बी उच्च तकनीकी आवश्यकता, सी संयंत्र स्थापना अधिक जटिल, और डी अपना पवन ऊर्जा नियत व स्थिर नहीं है। तो यहाँ पे अपना पवन ऊर्जा का नुकसान होगा, जो डी होगा, क्योंकि आपको पता है पवन ऊर्जा नियत व स्थिर नहीं होती यहाँ, इसलिए आप इस क्वेश्चन में अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आईटीई के फाइनल एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।